वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका टेक्नो अपलिफ्ट में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विंडोज़ अपडेट के एरर के बारे में। अब यहाँ पे दो तरह के एरर मैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप अपने विंडोज़ 10 को अपडेट करें चाहे विंडोज़ 11 को। नंबर वन है एरर एनकाउंटर्ड, जो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नंबर टू अपडेट फेल्ड। इनमें से कोई भी अगर आपके पास ऐसा एरर मैसेज आ रहा है और आपका विंडोज़ अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जो आपसे मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इसको अप्लाई करिए और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यहाँ पे आपका अपडेट का एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा और आसानी से आप अपने विंडोज़ को अपडेट कर पाएंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। बस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका इशू यहाँ पे रिजॉल्व होता है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम पर मिलती रहें। और अगर आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये इशू आपको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। तो अभी गाइस अगर आप देखेंगे तो मेरे सिस्टम पे जब मैं यहाँ पे विंडोज़ अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये एरर आता है कि एरर इनकाउंटर्ड। और इवन जब मैं यहाँ पर रीट्राई पर भी क्लिक करूँगा तो रीट्राई में भी मुझे सेम एरर आता है यहाँ पर चेक करने के बाद। तो या तो आपको एरर इनकाउंटर्ड आ सकता है या तो अपडेट फेल्ड करके भी कोई मैसेज यहाँ पर आ सकता है। तो चलिए इसको फटाफट देखते हैं कि कैसे इसको यहाँ पे ठीक करना है। अब इसी अपडेट पेज पे ही आपको यहाँ पे एक एडवांस्ड ऑप्शन वाला सेक्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे ये जो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मेक श्योर करके रखिए कि सारे के सारे अभी ये फिलहाल के लिए आपके यहाँ पे इनेबल्ड है, ठीक है। तो बहुत टाइम होता है कि आपने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको आपने डिसेबल कर दिया, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले स्टेप में आपको इन सारे को यहाँ पे इनेबल करना है और उसके बाद अपने सेटिंग्स में ही लेफ्ट हैंड मेन्यू में आपको सर्च करना है ट्रबल शूट सेटिंग्स। यहाँ पे सर्च करिए, अदर ट्रबल शूटर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज़ अपडेट। तो यहाँ पे रन कराइए। अब ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि क्यों विंडोज़ अपडेट नहीं हो रहा है, एरर इनकाउंटेड वाला या अपडेट फेल का मैसेज क्यों आ रहा है। और या तो ये इशू को रिजॉल्व कर देगा ऑटोमेटिकली या तो ये आपको सजेशन देगा कि किस तरह से इसको यहाँ पर फिक्स करना है। और रन होने के बाद ये कह रहा है चेक फॉर विंडोज़ अपडेट इश्यूज़। तो यहाँ पे ये कह रहा है डिटेक्टेड, ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको अब यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। अब उसके लिए आप अपने विंडोज़ सर्च पे क्लिक करिए, सीएमडी टाइप करिए, राइट क्लिक करिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराइए। अब एक ब्लैक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ कमांड टाइप करनी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वन बाई वन उन्हें यहाँ से आप कॉपी करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कराइए। तो इसी तरह से आपको चारों यहाँ पे कमांड के साथ करना है, इनको वन बाय वन कॉपी करके यहाँ पे आप रन करा दीजिए। तो जैसे ये सारे चारों कमांड रन हो जाती हैं, नेक्स्ट आपको अपने विंडोज सर्च पे दोबारा से क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज और सर्विसेज बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको एक सर्विस देखनी है विंडोज अपडेट की, तो विंडोज़ अपडेट वाली सर्विस को यहाँ पे सर्च करिए और यहाँ पे मेक श्योर करके रखिए कि इसका स्टेटस यहाँ पे रनिंग है और जो स्टार्टअप टाइप है वो आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर नहीं है, मैनुअल है, तो आप इसे ऑटोमेटिक करिए। और सर्विस अगर स्टॉप है तो इसको आप स्टार्ट कराइए। अगर ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे है और स्टार्ट पे है तो एक बार इसको यहाँ पर आप स्टॉप कराइए और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कराइए ताकि आपकी यहाँ पर सर्विस रिस्टार्ट हो जाए। तो बस इतना करने के बाद अब फाइनली आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कराना है। तो यहाँ पे आप सिस्टम को रीस्टार्ट कराइए। अगर रीस्टार्ट कराते वक्त आपको कोई मैसेज आता है कि अपडेट एंड रीस्टार्ट, तो उस ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करिए और फाइनली अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कराइए। अब जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होकर दोबारा आपके सामने आएगा तो अगेन अपने विंडोज़ सेटिंग को ओपन करिए, विंडोज़ अपडेट में जाइए और यहाँ पर अब जब आप रीट्राई या चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ देर वेट होके यहाँ पे अपडेट अवेलेबल वाला मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। और इवन यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो जितने भी मेरे यहाँ पे पेंडिंग अपडेट थे वो अब डाउनलोड होंगे और आसानी से अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएंगे। तो सेम स्टेप्स को गाइस आप भी अप्लाई करिए और आई एम वेरी श्योर कि इन सारे स्टेप को अगर आपने केयरफुली अप्लाई किया तो आपका भी इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा और आसानी से आप अपने विंडोज़ को अपडेट कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।